अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सैमसंग की Q80B जो फुल अरे टीवी है उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। तो इसको हमने बॉक्स ओपन कर लिया, इसका जो है हम आपको पूरा रिव्यू और जो है एंड तक इसके फीचर्स के बारे में गाइड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी हम इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ये इसकी कोई फर्स्ट लुक है। ये 4 bezel-less टेक्नोलॉजी है, मतलब कि पहले जो इनकी QLED-ियाँ थी वो 3 bezel-less थी, ये जो QLED है ये 4 bezel-less टेक्नोलॉजी है। तो मैं आगे जाके आपको दिखा भी देता हूँ क्लोज से, ये अभी आपको दिखा देते हैं। ये आप देखें जी, क्या खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन है इसका, और बहुत ही एलिगेंस डिज़ाइन है और स्लिम मॉडल है। और इसमें कुछ हाइलाइटेड फीचर्स आपको जो है वो वीडियो के शुरू में जो थंबनेल पे भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी कनेक्टिविटी की बात कर लें तो 2 USB पोर्ट्स हैं इसमें, 4 HDMI पोर्ट्स हैं, और 4 की 4 जो हैं, मज़े की बात यह है कि 4K 120Hz सपोर्टेड है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है इन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो जो है बाकी इसको भी ऑन करते हैं और फर्दर आपको इसकी डिटेल के बारे में गाइड करता हूँ। तो ये इसका सेटअप कर रहा हूँ साथ साथ, तो आप इसको देखकर अपना मतलब यूनिट का न्यू का सेटअप भी कर सकते हैं, साथ साथ आपको फीचर्स की भी गाइड कर दूंगा, वरना जो है फीचर्स अलग से गाइड करना शुरू करते तो बड़ी बड़ी लंबी हो जाएगी। पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात कर लें तो 3800 है, और जो है क्वांटम HDR12X सबसे हाईलाइटेड फीचर ये है। हाई डायनमिक रेंज जो है वो आपको 12X मिलने वाली है, जिसमें कलर स्कीम और रियलिटी आपको फील होगी। प्रॉपर जो है आपको एक डिस्प्ले मिलेगा, ओरिजिनल वाइट और ओरिजिनल ब्लैक, सर्टिफाइड HDR10+ अडाप्टिव एंड HDR10+ गेमिंग और अडाप्टिव के लिए भी HDR जो है उसमें 10+ ऐड किया हुआ है। तो आपको प्रॉपर एक गेमिंग टीवी भी मिलने वाला है इसमें, गेम बार ये वो सारी डिटेल्स आपको गाइड करूँगा डिटेल्स के साथ। तो ये डायरेक्ट फुल अरे टीवी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और इसमें जो है वाइट और ब्लैक जो है वो आपको प्रॉपर नज़र आएंगे। तो जी अभी हमने केबल शेबल कनेक्ट नहीं की, तो इसका जो है वो नॉर्मली शॉप मोड के लिए सेटअप कर रहा हूँ फास्ट। आप अपने केबल वगैरह की ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, डिजिटल ट्यूनर भी इसमें बिल्ट इन दिया हुआ है। मोशन एक्सेलेटर टर्बो प्रो प्रोसेसर जो है इसकी अगर बात कर ले, तो जो मोशन एक्सेलेटर टर्बो प्रो इसमें दिया हुआ है, जो फास्ट सीन है वो आपको प्रॉपर दिखने वाले हैं, उसमें कोई लैक नहीं मिलेगा। तो जी हमारा सेटअप कम्प्लीट हो गया, अब इसका आपको यूज़र इंटरफेरेंस भी नज़र आ जाएगा पहला किस तरह का है। ये देखिए 100% कलर वॉल्यूम है विद क्वांटम डॉट, कलर स्कीम नो डाउट सैमसंग की शुरू से भी दी बेस्ट है। अच्छा जी, अब कुछ इस तरह का इन्होंने डिस्प्ले दिया जैसे कि 70B में था, उसी तरह का 70A में है, जो सॉरी 80B में है। तो ये इसका कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेरेंस है। Dolby Atmos ऑडियो में इस दफ़ा इन्होंने कुछ चेंजिंग की है इसमें, पहले जो इनकी LEDs थी Q60 वगैरह जो है मॉडल, उनमें सिंपल ऑडियो आपको देखने को मिलती थी, इसमें Dolby Atmos दे दिया है। फीचर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर है जैसे कि इनके नॉर्मली पुराने QLEDs मॉडल्स में भी था जो है वो, उसकी मैंने डिटेल पहले भी बताई हुई है एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर की। और साउंड की बात कर लें तो साउंड 60W आउटपुट है, साउंड क्वालिटी इस दफ़ा मच बेटर इसमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि लेक मिलता था साउंड में, कम साउंड फील होती थी, लेकिन इसमें साउंड क्वालिटी आपको A1 और ज़बरदस्त मिलने वाली है। 2.2.2 चैनल के स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, सब वूफर भी इंस्टॉल्ड है अकॉर्डिंग टू कंपनी। बिग्स भी इसमें आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। इनकी सबकी डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। तो वीडियो कॉलिंग के लिए गूगल डुओ मिल जाएगा, आपके मोबाइल का कैमरा भी सपोर्ट हो सकता है कॉलिंग के लिए, और अदरवाइज़ USB पोर्ट भी इसमें अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप अपना कोई भी कैमरा नॉर्मली किसी भी ब्रांड का अटैच कर सकते हैं इसके साथ इजीली। मल्टी व्यू मिल जाएगा, मल्टी व्यू का भी मैंने डिटेल बताई हुई, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि आप एक ही स्क्रीन पर दोनों चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, मोबाइल का वायरलेस डिस्प्ले भी इंजॉय कर सकते हैं, साइड पर अपना मैच वगैरह या कोई लैपटॉप अगर आपने अटैच करके वर्किंग करनी है और मैच वगैरह भी देख रहे हैं साथ, तो वो भी आप इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। मल्टी व्यू 2.0 इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कलर स्कीम आप देख सकते हैं, ये इसका डेमो ऑन हुआ है, कलर स्कीम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। 360 वीडियो प्लेयर इसमें देखने को मिल जाएगा,
और यूज़र इंटरफेरेंस दोबारा इसकी सेटिंग आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो ये पिक्चर सेटिंग, साउंड कनेक्टिविटी में आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। एनालॉग क्लीन व्यू, केबल किल पर भी इन्होंने काम शुरू किया है इस दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान में केबल क्योंकि एनालॉग है, तो एनालॉग क्लीन व्यू का ऑप्शन इन्होंने इसमें ऐड किया है कि नॉर्मली केबल को भी इन्हेंस करके थोड़ा बेहतर करके आपको दिखाएगा। तो ये मेन्यू इनलार्ज वगैरह है। और ऑटो गेम मोड, गेम मोड की बात कर लेते हैं। ALLM ऑटो लो लेटेसी मोड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक वो आपको सीन प्रॉपर वर्किंग आपको इसमें नज़र आ जाएगी रिमोट के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी गाइड किया हुआ। गेम मोशन प्लस प्रोसेसर है इसमें, गेमिंग के लिए भी जो है वो ऐड किया हुआ है। मैंने बताया था गेमिंग के फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं, तो आपको प्रॉपर एक गेमिंग टीवी मिल जाएगा। डायनामिक ब्लैक इक्वलाइजर, जो आपके डार्क एरियाज हैं, जैसे गेमिंग में अक्सर चीज़ें जो है वो मिस हो जाती थी, नज़र नहीं आती थी, तो इसमें जो है वो ब्लैक इक्वलाइजर उन्होंने ऐड किया, जो कि आपको डार्क एरिया में भी प्रॉपर व्यू फ्राहम करेगा। सराउंड साउंड मिल जाएगा आपको, जैसे कि पबजी में आपको फायरिंग हो रही है या आपको पैरों की आवाज़ आती है राइट से राइट की, लेफ्ट से लेफ्ट की, वो उसी तरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगी सराउंड साउंड में, तो जो है वो बेहतर मिल जाएगी। अल्ट्रा वाइल्ड गेम व्यू इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन जो है वो पूरी मिल जाएगी, कोई भी साइड का फ्रंट का व्यू जो है वो मिस नहीं होगा इसमें आपका। DVB-T2 SC2 डिजिटल ट्यूनर इसमें दिया हुआ है। आप एनालॉग के साथ साथ अगर आपके कोई डिजिटल चैनल भी हैं तो वो भी ये डायरेक्ट ट्यून कर लेगा, उसके लिए बॉक्स अलहदा डिजिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वॉट्स की बात कर ले तो 240 वॉट जो है सपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की अगर बात कर लें तो 285 वॉट तक जो है ये कंज्यूम करेगा मैक्सिमम, कम भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम जो है 285 तक ही जो है ये कंज्यूम करेगा, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। रिमोट की कनेक्टिविटी सोलर रिमोट है, इसके साथ एक्सेसरी जो है वो सारी सेम एज इट इज़ Q70B वाली है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो इस वजह से उसको मैंने ना दिखाया ना मैंने आपको उसको जो है वो उसकी डिटेल बताई है। सिर्फ रिमोट का दोबारा बता दिया कि सोलर है अब तक के लिए, फिर अल्लाह हाफिज़।